मेरा सौभाग्य है आप सबके बीच में आने का अवसर मिला है सन नौ या दस में गुरुदेव जी का प्रोग्राम था तब आना हुआ था उसके बाद तेरह चौदह साल बाद फिर से आना हुआ है अभी बहुत सुंदर भजन सुने सत्संग का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए और जिस आदमी को मुख्य उद्देश्य पता हो जाता है उनका जीवन बदल जाता है सत्संग का मतलब होता है जीवन परिवर्तन केंद्र सत्संग का मतलब जीवन परिवर्तन केंद्र सिर्फ जीवन को सत्संग से बदला जा सकता है और कोई जगह नहीं है सत्संग ही एक ऐसा माध्यम है जहां हम अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं अपने जीवन में यूटर्न ला सकते हैं लेकिन सत्संग तब समझ में आएगा जब अपना जीवन अपना महत्व समझ में आएगा अपनी जीवन के बारे में जानकारी होगी तभी हमको समझ में आएगा कि वास्तव में सत्संग क्या चीज है जब तक हमको अपना किमत समझ में नहीं आएगा तब तक सारा सत्संग फीका लगेगा जब तक हमको अपना जीवन का उद्देश्य सामने नहीं होगा टारगेट सामने नहीं होगा तब तक सत्संग फीका लगेगा कोई रस नहीं मिलेगा और जिसको अपने जीवन का उद्देश्य सामने दिखाई देगा जो अपने जीवन के कीमत को समझेगा कि मेरे जीवन कितना बेशकीमती है बेशकीमती लम्हे इन लम्हों को मैं कहीं बर्बाद ना होने दूं, इन लम्हों को कहीं व्यर्थ जाने ना दूं उस व्यक्ति को सत्संग का अर्थ समझ में आता है बाकी दुनिया के लोगों को तो ये भौतिक पदार्थों का बंडल है उसी में आनंद आता है गुरुदेव जी कहा करते थे कि मनुष्य जीवन भौतिक पदार्थों का सिर्फ बंडल नहीं है बल्कि इससे हट करके कुछ अध्यात्म और भी है जीवन अपने जीवन को समझने के लिए सबसे पहले हमको अपना कीमत समझ में आना चाहिए कि हमारा कीमत क्या होना चाहिए हम अपने आप से पूछे तो समझ में नहीं आएगी लेकिन जो अध्यात्म में रस लेते हैं जो जीवन के बारे में जानना चाहते हैं अपना किमत जानता है ऐसी एक जगह एक संत के पास एक व्यक्ति जाता है और व्यक्ति जा कर के संत से पूछता है हे भगवान मेरा कीमत क्या है मैं अपने जीवन का महत्व तो कैसे समझूँ मेरे जीवन कितना महत्वपूर्ण है इस बात को मैं कैसे समझूँ संत कहते हैं इस बात को छोड़ो मैं तुमको एक काम दे रहा हूँ वो काम करना फिर तुमको उसका उत्तर दूंगा संत अपने बैठे थे वहाँ बैठे थे वहीं बगल से एक बक्सा खोला और बक्सा से इनको एक कोटरी दिया कहे इसमें बेचकिमती चीज़ है इस कीमती पत्थर है और इस पत्थर को तुम बेचना बस मत तुम जितना जगह हो सके इस पत्थर का दाँव पूछ करके आते जाना इस पत्थर का कीमत पूछ करके आते जाना वो आदमी निकलता है मंदिर से संत के पास से <clears throat> और जैसे ही निकलता है उनको एक कबाड़ बेचने वाला मिलता है कबाड़ खरीदने वाला कबाड़ी से पूछता है भाई साहब इस पत्थर का आप क्या रेट लगाएंगे वो पत्थर दिखने में बेशकीमती दिख रहा था चमकीला दिख रहा था कबाड़ी वाले कहते हैं भाई साहब आपके पत्थर अच्छे और चमकीले दिख रहे हैं इसलिए मैं आपके पत्थर को मैं लोहे के भाव पर खरीद सकता हूँ और बीस रुपये किलो तक खरीद सकता हूँ वो आदमी आगे जाता है ये कोई लोहा और पत्थर का कीमत नहीं बता रहा हूँ मैं आप ध्यान से सुनिएगा ये हमारी जीवन का कीमत है ये वो आदमी आगे चलता है एक सब्जी वाले के पास जाता है सब्जी वाले से पूछता है भाई साहब इस पत्थर का आप क्या रेट लगाएंगे वही सब्जी वाला वो भी बोलता है कि आपके पत्थर अच्छे दिख रहे हैं और चमकीले हैं इसलिए मैं आपके पत्थर को मैं टमाटर के भाव पे ख़रीद सकता हूँ वो पत्थर बीस रुपये से चालीस रुपये में बिकता है वो आदमी आगे जाता है एक एलमुनियम के दुकान में जाता है वहाँ वही पत्थर है चालीस से चार सौ रुपये में एलमुनियम के व्यापारी खरीदने को तैयार हो जाता है वो पत्थर कीमत पता करने और आगे बढ़ता है और एक पीतल के दुकान में जाता है वो चार सौ से आठ सौ रुपये पर जाता है वही पत्थर वो आदमी को संतोष नहीं होता एक चांदी के व्यापारी के पास चला जाता है और वही चांदी के व्यापारी उसको अस्सी हज़ार रुपये तक खरीदने को तैयार हो जाता है वो आदमी को पर भी संतोष नहीं एक बड़े से व्यापारी सोने के व्यापारी के पास जाता है जैसे अरुण सेठ जैसे आदमी के पास और पूछता है भाई साहब इस पत्थर का क्या रेट लगाएंगे कहते हैं तुम्हारे पत्थर को मैं चार लाख रुपए तक ले सकता हूं आदमी को पर भी संतोष नहीं वो आदमी और आगे जाता है एक हीरे के व्यापारी के पास जाता है हीरे के व्यापारी कहते हैं इस पत्थर का कोई रेट अदा नहीं कर सकता तुम अपने इलाकों को बेच लो पर भी इस पत्थर का रेट अदा नहीं कर सकते क्योंकि एक बेसकीमती कोहिनूर हीरा है आपका कीमत कितना होगा आपका कीमत हमारा कीमत कितना होगा जो आदमी अपना कीमत जानना चाहे इस घटना से समझ में आ जाएगी यदि हम एक समझदार आदमी होते हुए भी वही निंदा और चुगली में पड़े रहते हैं वही राग और द्वेष में पड़े रहते हैं वही तू और मैं में पड़े रहते हैं वही संपत्ति के पीछे दौड़ते रहते हैं हमारा कीमत कितना है वही संपत्ति के लायक और कहीं गलत आदमी के संग करते करते बीड़ी सिगरेट तम्बाकू घुटका शराब पीने वाले के संग किए तो वही कहलाएंगे और एक अच्छे आदमी के साथ जाएंगे तो अच्छे आदमी कहलाएंगे वकालत करने वाले के साथ जाएंगे तो वकालत करने वाले कहलाएंगे गंजड़ी के साथ जाएंगे तो गंजड़ी कहलाएंगे नेता के साथ जाएंगे तो नेता कहलाएंगे और कहीं अच्छे संग करते करते साधु के संग में लग गए कहेंगे वो आदमी तो साधु आदमी है वो साधु बना नहीं है बस साधु का संग कर रहा है जीवन आचरण अच्छा हो गया है लोग कहते हैं वो आदमी तो साधु आदमी है गांव के लोग ही कहना शुरू कर देते हैं वो आदमी और अच्छा संग करते करते कहीं रंग बदल गया उनकी जीवन की तकदीर बदल गई उन्होंने अपना सब कुछ परिवर्तन कर दिया और साधु का रंग और साधु का संग दोनों लग गया वो आदमी साधु बन गए तो फिर उनका जीवन का कीमत कोई अदा नहीं कर पाएगा फिर पहले वो दुनिया के सामने झुकता था दुनिया को प्रणाम करता था लेकिन आज उन्होंने अपनी तकदीर बदली आज उन्होंने अपने आचरण बदला आज उन्होंने अपने मन के भावों को बदला वो आदमी साधु बन गए और आज उनके सामने पूरा दुनिया झुकती है जिसे हम बुद्ध कबीर महावीर ईसा मोहम्मद रामकृष्ण कहते हैं अलग नहीं है कहीं से आते नहीं है कहीं से आते नहीं है कहीं आकाश मार्ग से और कह... अच्छा आकाश मार्ग की बात आई तो दूसरा बात है लेकिन कह दूँ बहुत से कबीरपंथी ये मानते हैं कि सदगुरु कबीर साहब आकाश मार्ग से आए हैं यहाँ तो सारे पारखी लोग हैं लेकिन उन लोगों को इतना भी ज्ञान नहीं है कि बिना माँ बाप के एक बच्चा भी पैदा नहीं हो सकता तो सदरु कबीर साहब कैसे आ जाएंगे इसलिए जो आदमी सही मार्ग पर चलते हैं उनका जीवन का तकदीर बदल जाता है हमारा कीमत अब कितना होगा अपने आप से पूछें। हम अपने ही परिवार में रहते हैं अपने ही माँ बाप के साथ रहते हैं अपने ही भाई के साथ रहते हैं अपने ही बेटे के साथ रहते हैं अपने ही परिवार में देरान और जिठान के साथ में रहते हैं और हमारे परिवार वाले हमको कितना रिस्पेक्ट देते हैं कितना सम्मान देते हैं यदि सम्मान नहीं देते हैं मतलब हम उसी लायक है ना हमने अपना व्यक्तित्व ही नहीं बनाया हमने अपनी योग्यता ही ऐसे पैदा नहीं किया कि हम हमको लोग सम्मान दे सके हमारे माता पिता हमको सम्मान दे सके या हम अपने माँ बाप को सम्मान दे सके हमारी योग्यता वैसी होनी चाहिए हम अपने जीवन को खोखला करते चले जा रहे हैं अपने ही कर्मों के वजह से अपने ही कर्मों के वजह से हम अपने जीवन को खोखला करते चले जा रहे हैं कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी रहती है या तो धन के प्रति या लोभ खाने में पीने में देखने में भोगने चलने खाने पीने कोई भी चीज़ में जब लालसा लगी रहती है लिप्सा ये हमको कमजोर करते चले जाता है कमजोर करते चला जाता है हम बहादुर है आज भी हमको इतना सुंदर जीवन मिला है आज भी अवसर है हम अपने जीवन के तकदीर बदल सकते हैं हम जिनको सदगुरु का रंग लग जाता है अभी सुन रहे थे भजन एक ऐसा रंग जिसमें पूरे दुनिया के महापुरुष लोग रगे, रंगे रंगे हैं ऐसे रंग ल, लग जाने के बाद में ऐसे रंग चढ़ जाने के बाद में उनके जीवन का तकदीर बदल जाता है बोलने के अंदाज बदल जाते हैं खाने के खाने के पीने के सब कुछ तरीका बदल जाता है उनकी देखने दृष्टि बदल जाती है लोग उनका अनुसरण करना शुरू कर देते हैं लोग उनका अनुसरण करना शुरू कर देते हैं क्योंकि वो पूजनीय बन जाते हैं उनका हर एक कक्कर्म पूजा होता है और सदगुरु कबीर साहब कहते हैं जो कुछ करूँ सो पूजा जो कुछ करें हम पूजा समझ करके करें यदि पूजा समझ करके करेंगे क्या भाई के साथ अन्याय करेंगे पूजा समझ करके करेंगे तो क्या माँ बाप के साथ अन्याय करेंगे पूजा समझ करके करेंगे तो क्या अपने बच्चे के साथ पड़ोसी के साथ अपने ग्राहक के साथ किसी के साथ अन्याय करेंगे पूजा समझ करके करेंगे तो अपने साथ अन्याय नहीं करेंगे और सबसे ज़्यादा हम अपने साथ अन्याय करते हैं सबसे ज़्यादा अपने साथ अन्याय करते हैं हम अपने समय और शक्ति का गलत ढंग से दोहन करके हम अपने जीवन का बेशकीमती बेशकीमती जो समय है ना उसको बर्बाद करते हैं हम बेसकीमती समय को बर्बाद करते हैं और जीवन में मिलता क्या है हमको हाँसी लाया जीरो होता है जब अंत समय आता है जब हमारी शरीर सरे, हमारे शरीर से जवाब मिलता चला जाता है बाल पक जाते हैं आंखें में चश्मा लग जाता है कान से सुनाई नहीं देता है भोजन करते हो भोजन नहीं पसता है तब हम चाहते हैं अब साधना कर लूँ भजन कर लूँ अब नहीं हो सकता बाबा जो अवसर था उसको तो हमने खो दिया है खो दिया है आज भी अवसर है आज भी अवसर है इसलिए इसलिए सत्संग की जरूरत है बाकी दुनिया में रंगे लोगों को सत्संग का महत्व तो समझ में नहीं आता है और सत्संग को समझने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है अपने जीवन को समझना और जो जीवन को समझेगा उसी को सत्संग में रस मिलेगा बाकी लोगों को तो सत्संग लगता है नौटंकी लग रहा है कुछ नहीं समझ में आती है सत्संग क्या चीज़ है जब उस समय समझ में आती है सारी बातें जब उन्हीं के परिवार के लोग सत्संग और अध्यात्म के प्रति रुचि नहीं लेते हैं और जैसे सम्मान देना चाहिए वैसे सम्मान नहीं देते हैं जैसे प्यार करना चाहिए वैसे प्यार नहीं करते हैं तब लगता है मैंने जीवन को बर्बाद कर दिया शायद मुझे जिस दिशा पर चलना चाहिए था साहब जी उस दिशा पर नहीं चला यदि आज मैं सत्संग का महत्व तो समझता तो मेरे रंग बदले होते मेरे जीवन के हर क्रियाकलाप कुछ अलग होता हम अच्छे परिवार से हैं अच्छे समाज से हैं लेकिन हमको बोलने की कला नहीं आती है अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं खाने पीने की कमी नहीं है रहने बसने की कमी नहीं है और दुनिया में कोई चीज़ के ऐश्वर्य से भरा परिवार है हमारा पर भी मन में एक बेचैनी है मन में एक कलुष है क्या हो गया है एक जीवन में शांति नहीं तो ऐसा जीवन तो बेकार है ना आज भी संवार सकते हैं आज भी संवार सकते हैं जीवन को आज भी एक गरीब परिवार में रहने वाले लोग आराम की जिंदगी जीते हैं जब सोते हैं तो नींद एक नींद आती है करवटें नहीं बदलते रहते हैं आप मेडिकल में जाएंगे तो बड़ी बड़ी मेडिकल में पूछेंगे नींद की गोलियां अधिकतम कहाँ बिकती है तो नींद की गोलियां गोलियां अधिकतम बड़े लोगों के यहाँ बिकती है कुछ लोगों की मजबूरियाँ होती है नींद की गोलियां लेना लेकिन कुछ लोगों की आदत हो जाती है क्योंकि कर्म ही ऐसा नहीं कर्म ही ऐसा नहीं है फिर सारी संपत्ति ऐश्वर्य किस काम का जिसे हम बड़े कहते हैं वो भी एक किनारे ही सोते हैं मात्र पांच से छः फीट लंबे में और जिसे हम गरीब कहते हैं वो लोग भी दो रोटी वो भी खाते हैं दो रोटी वो भी खाते हैं लेकिन जीवन की सफलता किसकी है जब वो आदमी सोता हो तो आराम से सोता हो जब आदमी बैठता हो तो आराम से बैठता हो जब घर में परिवार में रहता हो तो परिवार के लोग उनको सम्मान देते हो घर के परिवार के लोग उनके करीब बैठते हो आज हमारे परिवार के लोग आपस में करीब नहीं बैठना चाहते हैं अच्छे पढ़े लिखे कबीरपंथी हो या राधा स्वामी हो या गायत्री वाले हो या किसी भी मत पंथ और संप्रदाय को मानने वाले हो आपके अपने ही बच्चे आपसे दूर के होते चले जा रहे हैं इसका कारण क्या है कहीं ना कहीं हमारी अपनी तो कमजोरी है या तो हम बच्चों को प्यार नहीं दे पा रहे हैं या तो हम अपने अंदर वो अकड़ ले करके बैठे हैं जिसकी वजह से बच्चे हमारे करीब नहीं आ पा रहे हैं कहीं ना कहीं तो कमी है ना जिसकी वजह से हमारे परिवार में दरारें बढ़ती चली जा रही है जिसकी वजह से हमारे मन में एक बेचैनी छाती चली जा रही है तो क्या मतलब है ऐसी जिंदगी की इसलिए सत्संग की सफलता है सत्संग की सफलता है कि हम आपस में पहले जीवन के महत्व को समझे और जीवन को महत्व तब समझ में आएगा सत्संग में बैठ एक सिक्के के दो पहलू होते हैं वैसा ही है जब जीवन का महत्व तो समझ में आएगा तब सत्संग समझ में आएगा और जब सत्संग समझ में आएगा तब जीवन का महत्व तो समझ में आएगा ये दोनों एक सिक्के के पहल है इसलिए हम सत्संग के प्रति बच्चों को लाए आपस में एक बात और कह दूं चलते चलते हर माँ बाप की एक शिकायत होती है कि बच्चे हमारा कहाँ नहीं मानते और संत लोग उस पर कहेंगे लेकिन मैं सब जगह यही कहता हूँ आप कैसे मान जाएंगे आपके बच्चे आपका कहा आपने कौन सा पाठ सिखलाया है कि बच्चे आपका कहाँ मान जाएंगे आपने तो गाड़ी चलाना सिखाया मकान बनाना सिखाया धन इकट्ठा करना सिखाया खेत खलिहान लेना सिखाया मोबाइल चलाना सिखाया पढ़ना सिखाया इंजीनियरिंग सिखाया पैसा कमाना सिखाया ये क्या है बच्चे आपके नहीं करते हैं करते हैं कह करते हैं खूब पैसा कमाते हैं खूब मकान बनाए अच्छे अच्छे गाड़ी खरीदी तो क्या नहीं मानते बच्चे कहते हैं मेरा जैसा चाहता हूँ वैसे आपने वो पाठ ही नहीं सिखलाया है कैसे बड़ों के सामने झुकना चाहिए कैसे संत गुरु जनों के मत्थर टिकना चाहिए वो पाठ ही नहीं सिखलाया आपने कैसे माता पिता के पास झुकना चाहिए वो पाठ ही नहीं सिखलाया आपने तो कैसे आपके बच्चे आपके कहाँ मान जाएंगे मात्र इतने मात्र से कि आप बच्चे को अपने जीवन की सारी कमाई जीवन की सारी संपत्ति को बच्चे के नाम पे कर दे और बच्चे आपका कहाँ मान जाए ये नहीं है संभव संपत्ति से बच्चे आपके नहीं होते हैं मात्र बच्चे पैदा करने मात्र से कोई माता और पिता नहीं बनता है उसके लिए योग्यता चाहिए उसके लिए योग्यता होनी चाहिए और वो योग्यता कोई बिरले लोगों के पास होता है बिरले लोगों के पास होता है इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आज दूसरा दिन है अभी लगातार पांच दिन और है बच्चों को लाइए सत्संग में आप खुद बदलिए जीवन को तो बच्चे आपका कहाँ मानेंगे आप कभी बच्चों को अनाथालय में ले जाइए कभी वृद्धा आश्रम में ले जाइए कभी आश्रमों में ले जाइए जहाँ संत अपना खुद का निर्माण करते हैं जहाँ संत खुद झाड़ू लगाते हैं भोजन बनाते हैं सफाई करते हैं सब कुछ करते हैं क्या उनका जीवन नहीं है वो जीवन को तराशते हैं और जितना आप तरासेंगे जीवन को उतना आपका आपका कीमत उतना ही बढ़ता चला जाएगा सोने और चांदी का कीमत तराशने से बढ़ता चला जाता है वैसे ही आप जीवन को तराशते चले जाएंगे आपका जीवन उतना बेशकीमती होता चला जाएगा और नहीं तरासेंगे तो कंकड़ के भाव में कच्चे लोहे के कीमत नहीं होता है वही लोहे को तराश दिया जाता है उसका कीमत बढ़ जाता है कच्चा हीरा का कीमत नहीं होता है वही हीरे को तराश दिया जाता है उसका कीमत बढ़ जाता है कच्चे पेट्रोलियम का कीमत नहीं होता है वही पेट्रोलियम को तराश दिया जाता है पेट्रोलियम का रेट बढ़ जाता है और कच्चे जैसे सिंपल नॉर्मल पानी का कीमत नहीं होता है वही पानी को तराश दिया जाता है कितना कीमत बढ़ जाता है क्या आप नहीं चाहते हैं कि मेरा भी जीवन बेसकीमती हो घर के लोग कम से कम बाहर के लोग सम्मान दे या ना दे आपस में परिवार में जिन लोगों के बीच में रहते हैं उनके साथ मुस्कुरा करके तो जी सके जीवन की सफलता यही है आप कितने बड़े बिल्डिंगे बनाते हैं कितने मकान खड़े करते चले जाते हैं कितनी गाड़ियां हैं कितने बंगले हैं इसका बहुत महत्वपूर्ण नहीं है ये महत्वपूर्ण है आप जीवन में कैसा जीवन जीते हैं महत्वपूर्ण है आपके परिवार के बीच में आप कैसे रहते हैं परिवार में आपके बच्चे आपका सम्मान करते हैं नहीं करते हैं आपके नाती पोते सम्मान करते हैं नहीं करते हैं और नहीं करते हैं तो मैं समझता हूं कि सफल जीवन नहीं जी रहे हैं असफल जीवन है आप लोग अपने से पूछिए आपके बच्चे अब आप करते हैं कि नहीं करते हैं आप लोग जानिए इसलिए आज से शुरुआत कर दी बदल दीजिए और कैसे बदलना है और संतजन बताएंगे जाको मन निर्मल भया जैसे गंगा पीछे पीछे हरी फिरे कहत कबीर कबीर पवित्र मन हो जाए जिस दिन आपका मन पवित्र हो जाएगा अहंकार समाप्त हो जाएगा उस दिन आपका न मन निर्मल और जीवन भी निर्मल हो जाएगा तो निश्चित ही आपके बच्चे आपको सम्मान देंगे और आपका जीवन सफल होगा इसलिए मैंने शुरुआत की अपनी बात कि अपने जीवन का कीमत समझेंगे तब सत्संग का महत्व तो समझ में आएगा और सत्संग का महत्व तो समझेंगे तब जीवन का महत्व तो समझ में आएगा और आज भी अवसर है सब बच्चों को लाए आश्रमों में ले जाए अनाथालय में ले जाए वृद्ध आश्रमों में ले जाए और जीवन के बारे में बताए सिर्फ जीवन भौतिक पदार्थों का बंडल नहीं बल्कि आपस में प्रेम और आनंद से जीना ये जीवन की सफलता है बस इतना ही कहकर अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ बोलिए सदगुरु देव की, की जय